शिवांगी, 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 ए शिवांगी, रुको रुको वहीं रुको। जीती रहो, तुम्हारी लिपस्टिक हमेशा तुम्हारे कपड़ों से मैच करे, तुम्हारे सैंडल कभी भरे बाजार में ना टूटे, और अगर टूटे भी तो किसी जूतों की दुकान के सामने। अरे यार यही चक्कर क्या, मुझे भी तुम्हारे पैर छूने पड़ेंगे। अरे रे, आज करवा चौथ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये व्रत तो पत्नियां पतियों के लिए रखती हैं। कुछ लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए भी रखती हैं। You mean this नालायक? अरे खबरदार, अगर मेरे होने वाले पति को गाली दी तो। तुम जो मेरे होने वाली पत्नी को भूखा मारी उसका क्या? भूखा कहाँ मार रही हूँ, मैं तो अपने होने वाले पति की लंबी उम्र के लिए उपवास कर रही हूँ। उपवास तो मेरा भी चल रहा है। आओ, मैं तोड़ दूँ। ये उपवास तो तुम शादी के बाद ही तोड़ना। एक बात बताओ, क्या ये व्रत का असर होने वाले ससुर पर भी होता है? क्यों? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? कल दोपहर 3:30 बजे। लेकिन तुम तो रहोगे ना? अनफॉर्चुनेटली मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, और वैसे भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहू और ससुर के बीच में बेटे का क्या काम। लेकिन मैं उनके साथ क्या बात करूंगी, मुझे डर लग रहा है। उसमें डरने की क्या बात, वही पूछेंगे जो दुनिया भर के ससुर दुनिया भर के बहू से पूछते हैं, कितने पोते होंगे, कितनी पोतियां होंगी, जल्दी होंगी, लेट होंगे। लेकिन एक शर्त है शिवा। क्या? बच्चे कितने भी हो, सब तुम्हारी तरह हो। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? बहुत। और तुम पर मेरा ये प्यार मुझे बहुत प्यारा लगता है, जी करता है, जी करता है। देख मेरे चांद को, ये तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा हसीन है। अरे कल तो तू डूब जाएगा, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्या नाम बताया तुमने? शिवांगी, शिवांगी मेहरा। ओ हाँ, बैठो ना, पढ़ाई तो खत्म कर चुकी होगी? जी। आजकल क्या कर रही हो? जी मैं एक डांस स्कूल में डांस सिखाती हूँ। और तुमने हमारे लाडले बेटे को भी नाचना सिखा दिया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर होने के बाद पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। कहाँ? जी वो मैं नहीं जानती। हम जानते हैं। चपरासी, चपरासी। जी साहब। यही है ना तुम्हारे पिताजी? पिताजी, आप ही? बेटी, जब और कोई काम नहीं मिला तो पैसों की खातिर मुझे चपरासी की नौकरी करनी पड़ी। ये है तुम्हारी हैसियत, एक चपरासी की बेटी होकर अमीर आदमी की बहू बनना चाहती हो, गंदी नाली में रहकर आसमान छूना चाहती हो। अर्जुन सिंह जी, आपको ये रिश्ता इनकार करने का हक है, मगर मेरे पिताजी की मजबूरी का अपमान करने का नहीं। मजबूरी नहीं, दूरंदेशी। आशुतोष को अपने जाल में फंसाने की साजिश तुम बाप बेटी ने मिलकर की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वरना हर खूबसूरत गरीब लड़की किसी करोड़पति की बहू होती। हमने जलील बाप तो बहुत देखे हैं, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी से धंधा करवाने का ये ढंग आज हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो बेटी, जाओ, निकल जाओ इस ऑफिस से ही नहीं, हमारे बेटे की जिंदगी से भी निकल जाओ, वरना तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि कहीं और धंधा करने के लायक भी नहीं रहोगी। शिवांगी तुम ये क्या कह रही हो? हाँ शितू, मैं समझती थी कि शादी दो इंसानों में होती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी से पता चला कि शादी एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं, एक बैंक बैलेंस की दूसरे बैंक बैलेंस के साथ, एक हैसियत की दूसरे हैसियत के साथ, एक रुतबे की दूसरे रुतबे के साथ होती है। शिवांगी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, या तो तुम मुझे खुश कर सकते हो या अपने पिताजी को। मेरी खुशी की चिंता तुम मत करो, तुम अपने पिताजी की खुशी की खातिर अपने हैसियत की लड़की के साथ शादी करो। शिवांगी हम लोग गरीब है आशुतोष, हमारी इज्जत, हमारा मान ही हमारी पूंजी है। जहां मेरे बाबूजी की इज्जत ना हो,
जहां मेरी गरीबी को मेरा दोष समझकर मुझे जलील किया गया हो, जहां मेरे चरित्र पर उंगली उठाई गई हो, मैं उस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते हैं। तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब तुम मेरा भी फैसला सुन लो। शिवांगी, अगर आपकी बहू नहीं बन सकती तो ना सही, वो मेरी बीवी जरूर बनेगी। शाबाश, बहुत खूब। 25 साल में जिस बाप ने तुम्हें बच्चे से एक आदमी बनाया वो कुछ भी नहीं, और जिस लड़की को तुम सिर्फ 25 महीनों से जानते हो उसे तुमने अपनी जिंदगी बना दिया। क्या अपने बाप को बता सकते हो ऐसी क्या खूबी है उस लड़की में? उस लड़की में ये खूबी है कि वो मेरे माँ बाप की खुशियों के लिए अपने खुशियों का गला घोटने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी जिद, अपने अहंकार, अपने रुतबे के लिए अपने बेटे की खुशियों का गला घोटने के लिए तैयार है, ये फर्क है आप दोनों में, जो आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप हर इंसान को दौलत के तराजू में तोलते हो, लेकिन जब इस तराजू में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती तो फिर बाप होने का रिश्ता किस बिना पर चला रहे आप? आशुतोष, क्या हुआ? एक बाप अपने बेटे से बाप होने का सबक सीख रहा है। आशुतोष, ये मैं क्या सुन रही हूँ? यही कि इतने बड़े घर में एक बेटे के लिए तो जगह है, लेकिन उसकी खुशियों के लिए नहीं। ये सब क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? आप ही बताइए ना, क्या बात है? ये चाहता है कि अपने नौकर की बेटी को हम अपनी बहू बना लें। हमसे उम्मीद की जा रही है कि अपने साहबजादे के कीमती जूतों के साथ जो गंदगी इस घर में चली आएगी उसे भी स्वीकार करें, इस खानदानी घर को एक नाचने वाली का कोठा बना दें। रुक जाइए, अगर मेरी जुबान बदतमीजी पर उतर आई तो क्या इज्जत रहेगी आपकी मिस्टर अर्जुन सिंह? तुम्हारी ये हिम्मत, ये मजार, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? रुक जाइए, जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं आप, मुझे मारना चाहते हैं तो कम ऑन, हिट मी, हिट मी। चुप रहो, चुप रहो तुम लोग। गेट आउट ऑफ माई हाउस, तबाह हो जाओ और फिर शक मत दिखाना। मेरी शादी में सिर्फ तेरे आशीर्वाद की जरूरत है माँ, चल मेरे साथ। ये नहीं जाएगी, ये आपकी जागीर नहीं, मेरी माँ है, ये हमारी बीवी है। आप लोग भगवान के लिए खामोश हो जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम वही चाहोगी जो तुम्हारा पति चाहता है। ठीक है माँ, मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालूंगा, तुम पे पहला हक तुम्हारे पति का है। But I'll miss you, Mom. I love you. रोकिए उसे, भगवान के लिए उसे रोकिए। जाने दो उसे। आपको मेरी कसम, रोकिए उसे। फैसला उसका है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? आशुतोष, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी भी वक्त है, सिर्फ दो लफ्जों की बात है, बोल दीजिए रुक जाओ। ये सिर्फ दो लफ्जों की बात नहीं है सुमन, ये जमीन आसमान की बात है जो कभी नहीं मिल सकती। आशुतोष, आशुतोष बेटे। मिस्टर सिंह, अभी ये खतरे से बाहर नहीं है। अब तो बहुत रात होने लगी है प्रभाकर जी, और कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? ये चिट्ठी शिवांगी को दे देना, वो सब समझ जाएगी। जी। बेटी, ये चिट्ठी छोटे साहब ने दी है। शिवांगी, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है कि सिर्फ एक तुम्हारे लिए मैं अपने माता पिता, अपनी इज्जत, दौलत, शौहर नहीं छोड़ सकता। ये सच है कि मेरी आंखों पर तुम्हारी मोहब्बत का पर्दा पड़ा था, पर ये पर्दा फट चुका है।
मेरी तुमसे ये सलाह शिवंगी कि तुम अपनी बराबरी का कोई अच्छा सा पति ढूंढ कर अपना घर बसा लो। आशुतोष खत पढ़ लिया शिवांगी? तुमने ठीक कहा था शिवांगी, आशुतोष ने हमसे नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा उसने हमसे, उसने खुद ही ये फैसला किया कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। हर बाप तुम्हारे बाप की तरह प्यार जतलाकर औलाद को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनका प्यार सच्चा होता है और जिनकी औलाद उस प्यार को ही चुनती है। हम बहुत खुश हैं अपने बेटे से, अब देखना हम किस धूमधाम से शादी करेंगे अपने बेटे की किसी बराबर की हैसियत वाले खानदान में। मगर अब तुम्हारा क्या होगा शिवानी? लड़की जब एक बार सुहाग का जोड़ा पहन ले और उसकी शादी ना हो तो वही जोड़ा उसके लिए कफन बन जाता है। हाथों की मेहंदी तो ऐसे लगने लगती है जैसे किसी ने लोहा गर्म करके दाग दिया हो। इस बदनामी के बाद तुम्हें तो मर जाना चाहिए शिवानी, लेकिन फिर भी अगर तुम ये बदचलनी की जिंदगी जीना चाहो तो जाओ किसी दूसरे शहर में जाकर किसी अमीर बाप के इकलौते बेटे को ढूंढो और उसे फंसाओ। अर्जुन सिंह, अगर मेरी बेटी के बारे में तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हारी एक गंदी जबान पार खींच लूंगा। जाओ जाओ, जाकर कह दो अपने बेटे से कि वो मर गया हमारे लिए, उसका नाम उसका वजूद मिट चुका हमारे लिए। जाओ जाकर कह दो उसको हम भूल चुके हैं उसे। नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। आशुतोष के इस अपमान को मैं मंगलसूत्र की तरह अपने गले में बांध कर रखूंगी ताकि रात दिन सोते जागते ये मुझे चुभता रहे, नासूर बनता रहे और मेरी नफरत की आग कभी ठंडी ना हो, कभी नहीं।